अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस मैंने अभी रोज़ा खोला और अब मैं निकला हूँ बाहर। मैंने जाऊँगा, रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी सी सुस्ती होती है, तो इसलिए मैं आज से बाहर से जाके चाय पीता हूँ रोज़। और आज मैं आपको भी दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या रूटीन होती है लोगों की दुबई में के रोज़ा खोलने के बाद। क्योंकि यहाँ पे ना मेन चीज़ ये होती है कि सब कुछ हमने खुद ही करना होता है। अब अफ्तारी हो या सहरी हो या खाना पीना कुछ भी हो, वो हमने सब खुद ही उसको मैनेज करना होता है, खुद ही देखना होता है। क्योंकि घर की तरह यहाँ पे मॉल नहीं होता, क्योंकि अकेले होते हैं, घर वाला मॉल नहीं होता यहाँ पे कि सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, कि अफ्तारी बनी हुई मिल जाएगी, अफ्तारी के बाद चाय खुद बन के आ जाएगी, या अब अफ्तारी करके लेट जाओ सो जाओ। थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं, पहले पियेंगे चाय और फिर डिसाइड करेंगे कि उसके बाद हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि काफ़ी बोर बोर सा यहाँ पे ना हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, वरना बोर के ना यहाँ पे ना बहुत मुश्किल हो जाता है रहना। तो इसलिए बोर नहीं होने देना है खुद को, यहाँ पे आके अपने आप को बिजी रखना इतना कि आप बोर ना हो। तो अभी अब पहले तो मैं जाता हूँ चाय पीता हूँ, और चाय पी के फिर डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे बोरियत भगानी है अपनी। ठीक है, तो चलें। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम क्रॉस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हम जैसे ही आते हैं ना, तो गाड़ियाँ, अगर ट्रैफिक कोई आ रहा है ना, तो फ़ौरन रुक जाएगा, वो एक इंच भी आगे नहीं आ सकता। हम जैसे ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कदम रखेंगे, देखें ये आप देख रहे हैं, जैसे ही ये लोग आगे गए तो ट्रैफिक खुद रुक गया, और जैसे ही हम इसको क्रॉस कर लेंगे तो ट्रैफिक चल जाएगा। लेकिन जब तक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हम हैं, तब तक ट्रैफिक नहीं चलता बिल्कुल भी। तो चाय हमने ले ली है, एक धर्म की चाय मिलती है यहाँ पे, यानी कि पाकिस्तानी हिसाब से आप लगाएं तो 75 रुपीज़ की। वैसे तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, पाकिस्तान में भी 70 रुपये का कप है और यहाँ पे एक धर्म का। तो भाई चाय मैंने पी ली है और अब मैं निकला हूँ थोड़ा सा अपना टाइम पास करने। यहाँ से मैं जाऊँगा पास में कोई भी, मुझे अगर मॉल या कोई मुझे मार्केट इस तरह की नज़र आएगी, मैं वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ जाके मैं अपना थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करूँगा, थोड़ा टाइम पास करूँगा, देखेंगे आगे पीछे घूमेंगे। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर घूमने के लिए सिर्फ मॉल्स और मार्केट्स वगैरह ही हैं, और इसके अलावा इतना कुछ खास यहाँ पे है नहीं। और यहाँ के मॉल्स ही ऐसे हैं जो कि लोग देखने आते हैं हर तरफ से। इंशाल्लाह संडे को मैं दुबई मॉल भी जाऊँगा, बुर्ज खलीफा भी जाऊँगा, वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि रमज़ान में वहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पर अभी मैं जा रहा हूँ, और अभी किसी जो भी सबसे पहला कोई मॉल या कोई मार्केट आएगी ना, मैं उसके अंदर चला जाऊंगा और जाके थोड़ा सा अपना टाइम पास करेंगे। और फिर इंशाल्लाह जब मैं दुबई मॉल जाऊंगा तो वहां भी जाके आपको मैं दिखाऊंगा। वहां पे इस वक्त बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि रमज़ान के दिनों में हर तरफ यहां पे ना बहुत डेकोरेशंस वगैरह होती हैं। और अल रास पे एक मार्केट है गोल्ड सूक, वहां पे अभी एक फेस्टिवल भी लगा हुआ है सूक रमज़ान के नाम से, और वहाँ पे भी हम जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ इन सब जगहों पे इंशाल्लाह हम लोग संडे को जाएंगे, क्योंकि संडे को कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो कि फ्री होते हैं, बाकी दिनों में अभी वो फ्री नहीं होते क्योंकि उनकी जॉब्स वगैरह हैं यहाँ पे। संडे को वो लोग फ्री होते हैं, तो संडे को ही हमने प्लान किया है कि हम अफ्तारी बाहर करेंगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में हम आ गए, ये बटन प्रेस कर देंगे और फिर वेटिंग करेंगे, ये सिग्नल ग्रीन होगा और ट्रैफिक रुक जाएगा, फिर हम रोड क्रॉस करेंगे। मैं मॉल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा, आज तो यहाँ पे बहुत रश है, बहुत लोग शॉपिंग के लिए आए हैं, और काफ़ी चीज़ों पे अभी डिस्काउंट्स वगैरह भी हैं, और काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे माहौल होता है रमज़ान में ना, सारे मॉल्स वगैरह में, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे घूमने में। और अगर आप दुबई आ रहे हैं तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, बी अवेयर ऑफ द इमोशनल स्कैम। यहाँ पे इस इमोशनल स्कैम आपके साथ बहुत होगा,
लाइक आप यहाँ पे मॉल्स में आएंगे ना तो आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पे स्टॉल्स होती हैं, स्टॉल्स और शॉप्स जितनी भी आपको यहाँ मिलेंगे ना, यहाँ पे आपको इजिप्शियन एंड फिलिपिनीज ये लड़कियाँ आपको सेल्समैन मिलेंगी, सेल्स गर्ल सॉरी मिलेंगी यहाँ पे, और ये आपके साथ इमोशनली आपके साथ स्कैम करती हैं कि ये आपको चीज़ दिखाएंगी और आपको आप पर दिखाएंगी और फिर आपके साथ ना थोड़ा सा फ्लर्ट करेंगी और फिर इसके बाद आपको ना फिर जब आप कहते हैं ना कि आपको नहीं बाय करनी महंगी है ये चीज़ है वो चीज़ है तो फिर ये आपके साथ ना इमोशनली ना आपको ब्लैकमेल करती हैं, वो इस तरह से कि आपके साथ फिर ये थोड़ा सा ना आपने दुखड़े सुनाएंगी कि मेरी सेल नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, आप ये ले लो, मैं आपको ऑफ़र दे दूँगी, आप एक चीज़ पर मैं फिर आपको दो चीज़ें फ्री दे दूँगी, इस तरह से ना आपके साथ ना ये लोग करेंगी यहाँ पर ना स्कैम। No, thank you. Thank you. You have offer. Actually, I don't need it. Like इस तरह से जैसे अभी हुआ कि ये अब मैंने इसको अभी बोला कि मुझे नहीं चाहिए ये, तो मुझे बोलती है जस्ट ट्राई कर लो, मैंने वो ट्राई किया तो इसने मेरे हाथ पे लगाया तो फिर मुझे बोलती है कि आई हैव ऑफर, और इसी तरह ना फिर ये आपको इमोशनल करती हैं और इतना वो आपको इमोशनल कर देंगी कि फिर आप उनको चाहते हुए भी आप मना नहीं कर सकेंगे, आपको वो बाय करनी ही पड़ेगी चीज़। तो यहाँ पे ये स्कैम बहुत होता है, तो अगर आप दुबई आ रहे हैं तो इस स्कैम से बच के रहिएगा, मतलब जितनी भी सेल्स गर्ल्स होती हैं ना इनके पास तो आपने रुकना ही नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं ना तो आपने इनके पास रुकना ही नहीं है। काफ़ी देर हो गई है हम यहाँ इस मॉल में घूम रहे हैं और काफ़ी हमने तफरी भी करी, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे, ये जो सेल्स गर्ल्स होती हैं ना इनके साथ यहाँ ये बहुत इन्जॉयमेंट यहाँ पे करा देती हैं कि ये लगी रहती हैं आपको ना कुछ ना कुछ सेल करने के चक्कर में, और मैं इसी वजह से आपसे कह रहा था कि इनसे ना आपने ना बच के रहना है, क्योंकि ये जब आप एक बार इनके पास रुके तो ये आपको लाजमी कुछ ना कुछ सेल करके ही आपको यहाँ से जाने देंगी, क्योंकि जब आप इनके पास रुक जाते ना फिर ये आपको यहाँ से जाने नहीं देती हैं, आपको इतनी ऑफर्स देती हैं, इतने डिस्काउंट देती हैं, ये वो कि इन दी एंड आप शर्म के खाते उनसे वो चीज़ बाय कर ही लेते हैं, और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये जो चीज़ इसने मुझे 200 धर्म की दिखाई थी और डिस्काउंट करते करते मैंने 70-80 धर्म में इससे ये ले ली, और इसके साथ इसने मुझे 4-5 चीज़ें गिफ्ट भी दे दी, लेकिन एक्चुअली आप वही किसी ब्रांडेड मार्ट वगैरह में जाते हैं, किसी ग्रॉसरी में जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि यार ये तो परफ्यूम यहाँ पे मैंने ले लिया इससे 80 धर्म में और इसने मुझे 2 इसके बाद गिफ्ट करके टोटल मैंने 3 परफ्यूम ले लिया 80 धर्म में, लेकिन यहाँ पे मार्ट में तो ये 5 धर्म का लगा हुआ है। तो इस चीज़ से फिर आपने यहाँ पे बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ख़ास तौर पर लेबनीज एंड इजिप्शियन गर्ल्स जो होती हैं ये यहाँ पे सेल्स गर्ल्स होती हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक सेल्स गर्ल्स हैं, ये आपको खाली याद नहीं जाने देती हैं, आप कुछ ना कुछ इससे खरीद के ही जाएंगे। तो खैर अब थोड़ी सी लग रही है भूख, तो अब हम जाएंगे यहाँ पे फूड कोर्ट में और जाके देखेंगे कि कुछ यहाँ पे अगर अच्छा है तो फिर हम बैठ के खाएंगे। ये है यहाँ का फूड कोर्ट, फूड कोर्ट के अंदर अब हम लोग जा रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे फूड कोर्ट में गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्राइड आइटम्स हैं, यहाँ पे 4 या 5 रेस्टोरेंट्स हैं फूड कोर्ट के अंदर, लेकिन सारे जो इंडियन एंड पाकिस्तानी और उनमें सब में सिर्फ फ्राइड आइटम्स हैं, लाइक समोसा रोल और फ्राइड चिकन और इस तरह की चीज़ें हैं बस, तो वो तो अभी मैं खा नहीं सकता, तो मैं एक और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक और फूड कोर्ट है, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके देखूँगा। मैं आ चुका हूँ अब फर्स्ट फ्लोर पे जो यहाँ पे फूड कोर्ट है वहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कोई अच्छा नज़र आ रहा है, पिज़्ज़ा हट भी है, मैकडोनल्ड्स भी है, और ये चार्लीज, और काफ़ी यहाँ पे अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे रेस्टोरेंट्स, अल्लाह करे कि यहाँ पे अलबैत भी हो, अलबैत यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीज़ है खाने के लिए, अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आप अलबैत का फ्राइड चिकन ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फाइनली मैं बैठा हूँ मैकडोनल्ड्स पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लगा थोड़ा, कुछ चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी, लेकिन चाइनीज़ फूड्स जो हैं यहाँ पे जो मिलते हैं वो प्रॉपर चाइनीज़ फूड्स होते हैं, और वो मैंने एक बार खाए यहाँ पे बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो प्रॉपर पके हुए भी नहीं होते और बिल्कुल भी इनमें कुछ मसाले नहीं होते, फीका होता है बिल्कुल, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, और अगर कुछ मसाले वाला होता तो उसमें इतनी तेज़ मिर्चें होती हैं कि वो आप उसका एक बाइट भी नहीं ले सकते। तो अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है मैकडोनल्ड्स से, तो अब मुझे तकरीबन 5 मिनट्स लगेंगे और मेरा ऑर्डर आ जाएगा और फिर मैं बैठ के खाऊंगा। तो मेरा ऑर्डर आ चुका है और
और जिसका इंतज़ार था वो खुशी की वो घड़ियाँ आ चुकी हैं और मेरा ऑर्डर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं खाता हूँ। ये देखें भाई, मैंने ऑर्डर किया था बिग मैक। इसमें एक मेरे पास आ गया सबसे पहले तो ये बिग मैक बर्गर, जो कि बिग तो नहीं है, बहुत स्मॉल है, और एक ये रेगुलर फ्राइज और ये ड्रिंक कोला। और अब मैं थोड़ी देर करता हूँ वीडियो को पॉज और तब तक मैं थोड़ा सा माल समेटता हूँ। अच्छा जी, तो खाना मेरा हो चुका है और बहुत ही मज़ा आया। और जब से असल में रोज़े स्टार्ट हुए थे ना, मैंने कोई फास्ट फूड वगैरह या बाहर का खाना नहीं खाया था, घर पे ही खाना खाता था क्योंकि अफ्तारी बस करते थे तो घर पे ही होती थी। और काफ़ी दिन के बाद आज मैंने बाहर का खाना खाया और वो मैकडोनल्ड्स, तो बहुत ही मज़ा आया। मैं बिल्कुल अब फुल हो चुका हूँ, पेट मेरा बिल्कुल भर चुका है। और शुक्र है जो कल से जो थोड़ी मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी वो भी ठीक हो चुकी है। कल रात से हो रही थी सहरी के बाद से, वो भी ठीक हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा घर की तरफ निकलूंगा, मॉल से बाहर निकलूंगा, घर की तरफ जाऊंगा और घर जाके मेरे एक दोस्त ने आना है, कुछ काम है उसको, उससे मिलूंगा और फिर थोड़ी देर मैं सोऊंगा। सो के तकरीबन आधा या एक घंटा मुझे मिलेगा सोने के लिए, मैं सोऊंगा और फिर उठ के मैं अपनी सहरी की तैयारी करूँगा। सहरी की तैयारी करके कल इंशाल्लाह रोज़ा भी रखना है। आज अल्लाह शुक्र है 23 रोज़े हो चुके हैं, 6-7 ही रोज़े और बचे हैं, तो कल भी रोज़ा रखना है। सहरी की तैयारी भी करूँगा घर जाके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है इसके लिए, बस मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।